Once again, आपका स्वागत है इंग्लिश क्लास के अंदर, जिसमें मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ यूज ऑफ बेटर देन। इसका हम यूज तुलना के लिए यूज करते हैं। तो हम किसी से तुलना करते हैं, अगर तुलना नहीं करते तो कुछ ऐसे सेंटेंस भी बताने वाला हूँ। जैसे एग्जाम्पल के हमें कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, मैं अच्छा हूं, आई एम बेटर, मैं उससे अच्छा हूं, हम तुलना कर रहे हैं, मैं उससे अच्छा हूं, आई एम बेटर देन हर, वह मुझसे अच्छी है, शी इज बेटर देन मी, अंकित लोकेश से अच्छा है, अंकित इज बेटर देन लोकेश, हम आपसे अच्छे हैं, वी आर बेटर देन यू, मैं आपसे अच्छा नहीं हूं, आई एम नॉट बेटर देन यू। कई बार हम ऐसा होता है कि हम किसी को बोल रहे होते हैं हम या मैं आपसे अच्छा नहीं हूं, तो आप ऐसे सेंस में बोल सकते हैं आई एम नॉट बेटर देन यू, वह मुझसे अच्छी नहीं है, शी इज नॉट बेटर देन मी, मेरी बाइक आपकी बाइक से अच्छी नहीं है, माई बाइक इज नॉट बेटर देन योर बाइक। तो हम बाइक की भी तुलना कर रहे होते हैं, क्या हम उनसे अच्छे हैं, आर वी बेटर देन देम, क्या वे उससे अच्छे हैं, आर दे बेटर देन हिम। अब कई ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं जिसमें हम सिर्फ तुलना नहीं कर रहे होते, बता रहे थे किसी चीज में अच्छा है, किसी काम में अच्छा होना। तो मैंने इसके भी कुछ एग्जाम्पल दिखे हुए यहाँ पे, क्या हम इंग्लिश में अच्छे नहीं है, आर वी नॉट बेटर इन इंग्लिश, क्या सचिन लड़ाई में अच्छा है, इज सचिन बेटर इन फाइटिंग। दोस्तों अगर आप इसे रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी, आप इसे डेली यूज में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। जब किसी की तुलना करें या ऐसे भी बोलें कि मैं उससे अच्छा हूं, तो आई एम बेटर देन हिम, राइट। थैंक यू, नमस्कार।